हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसोई खास। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सबका फेवरेट, वो है बटर चिकन। तो बटर चिकन के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है फ्रेश क्रीम, काजू का पेस्ट। आप देख सकते हैं इन्होंने कितना दानेदार रखा है। सो हमने यहाँ पे काजू का पेस्ट लिया है। ये है प्याज जो कि हमने मिक्सर में पीस लिया है। ये टमाटर है, इस पेस्ट टमाटर का पेस्ट है। इसमें हमने अदरक और साथ ही साथ थूम यानी लहसुन भी डाला है। तो आपने ये सब डाल के इसका एक पतला सा पेस्ट बना लेना है। ये है ब्लैक पेपर। सो यहाँ पे हमने बहुत से मसाले लिए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नमक है जो कि आप सबको पता ही है। ये मिर्च, लाल मिर्च है। दिस इज़ मीट मसाला। ये धनिया पाउडर है और थोड़ी सी हल्दी है। तो अब हमारा मेन इन्ग्रीडियंट है वो है चिकन। तो चिकन बनाने के लिए चिकन की ज़रूरत तो पड़ेगी। सो अब इसमें इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे। इसको हम थोड़े से सॉल्ट और ब्लैक पेपर में मैरिनेट करेंगे। ये होल वन चिकन है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैरिनेट कर लीजिए इसको। सो हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बटर चिकन का, इसीलिए बहुत बुरी तरह घर पे बटर चिकन बनाते हैं तो वो बाहर जैसा नहीं बनता है। वो इसी वजह से है क्योंकि ये जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये इसका टेस्ट एकदम चेंज कर देता है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सो अब इसको हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 25 मिनट्स के लिए मैरिनेट करेंगे। सो चलिए इसको अब रख देते हैं मैरिनेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो गया है। मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने को डाला था। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे, तो ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे हम इसको। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो सरसों का तेल होता है वो रखा है गर्म होने के लिए। तो जैसे ही अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो हम अपने चिकन को फ्राई कर लेंगे। सो तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सब सारे पीसेस फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी ग्रेवी बनाना। ये आप देख सकते हैं हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे अनियंस का पेस्ट। बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि हमारा जो ऑयल था वो बहुत गर्म था। हमने वही ऑयल यूज़ किया है जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था। उसमें ये चिकन का टेस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा एनहेंस्ड हो जाएगा इससे। सो अब हम अपने प्याज को अच्छे तरीके से भून लेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊँगी। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्याज भून हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए प्याज एकदम भून हो गया है। सो अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना टोमेटो प्योरे जिसमें हमने अदरक और लहसुन भी डाला था। तो इसमें ऐड कर दिया है। सो ये थोड़ा सा पतला इसीलिए है क्योंकि जो मिक्सर में रेजिड्यू बच जाता है मैंने वो भी इसमें डाल दिया था। थोड़ा सा पानी उसमें डाल के वो रेजिड्यू भी निकाल के हमने इसमें मिक्स कर दिया था। सो इसीलिए थोड़ा सा पतला है, कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो अब इसमें सारा का सारा डाल देते हैं, थोड़ा सा इसमें डालते हैं। तो इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा होने देंगे, फिर इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे रेस्ट ऑफ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा हमने इसको थोड़ी देर तक होने दिया था। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने मसाले। सो नमक आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से कौन से मसाले हैं। ये है नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, चिकन या मीट मसाला और ये है लाल मिर्च। तो अगर नमक इसमें आप कम डालें, ज़्यादा डालें, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि चिकन में भी डाला था मैरिनेट होते हुए तो उसका कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ मैरिनेशन के लिए होता है, उसका असर हमारे ग्रेवी पर नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1.5 स्पून।
सो हेयर वी आर हैविंग टू स्पूंस, इसमें इधर मेरे पास टू स्पूंस है रेड चिली के, तो मैं इसमें ये भी ऐड कर दूँगी। सो अब मैं इसमें हल्दी और मीट मसाला ऐड करूँगी। अगर आपके पास मीट मसाला नहीं है, आप चिकन भी ऐड कर, चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और एंड में ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर। तो अब हम सारे मसालों को इसमें मिक्स कर देंगे। मसाले हमने इस टाइम पे डाल दिए हैं, आपने इसी टाइम पे डालने हैं, क्योंकि फिर ये इसमें अच्छी तरह से ये मसालों का टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। तो अब हम इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। अब जितना ज़्यादा देर ही पकेगा ऐसे, उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो हम इसको अब होने देंगे जब तक कि थोड़ा सा वो थिक नहीं हो जाता या फिर थोड़ा कम नहीं हो जाता। वैसे अगर हम देखें मसाला रेडी है, क्योंकि इसके ऊपर ऑयल आ गया है, पर फिर भी इसको थोड़ी देर होने देंगे ताकि इसके जो स्पाइसेस हैं उनका टेस्ट और एनहेंस हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ग्रेवी है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आ रही है। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन के जो हमने पीसेस फ्राई किए थे, ये हमने ऐड कर दिया है इसमें। सो अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं। जितनी देर हमारा चिकन मसाले में हो रहा है, उतनी देर हम अपना काजू पेस्ट लेंगे जो हमने बनाया था। सो उसमें फिर हम ये लें अपनी फ्रेश क्रीम लेंगे, अच्छी तरह से इसे शेक कर लीजिए। यूज़ करने से पहले हमेशा फ्रेश क्रीम को शेक कर लेना चाहिए। और फिर हम इसमें ये ऐड करेंगे, ये हाफ बॉक्स पूरी ऐड कर दिया मैंने इसमें। मैं इसे मिक्स कर दूंगी। काजू पेस्ट हमने इसमें इसलिए मिक्स किया ताकि जब हम इसे अपने चिकन में डालें तो अलग अलग ना हो जाए, ये इवनली मिक्स हो जाए। सो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि जो काजू के लम्स ना रहें इसमें और वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत रिच बनेगी, क्योंकि हम इसमें काजू ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास काजू नहीं है, नो प्रॉब्लम, काजू सिर्फ ग्रेवी को और रिच बनाने के लिए है, बहुत टेस्टी बनाने के लिए है। आप इसमें और ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें आलमंड्स का पेस्ट ऐड कर सकते हैं, आप इसमें ग्राउंडनट्स का भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। हमारा चिकन जो है, हमने इसको 5 to 10 minutes के लिए अपनी ग्रेवी में होने दिया था। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने काजू और क्रीम मिक्स किया है, इसको अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे दोबारा से। आप देख सकते हैं कितनी थिक है ये। तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। सो अब इसमें हम थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। इसमें मैं सिर्फ 2 tablespoons ऐड कर, 2 to 3 tablespoons ऐड करूँगी बस, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे हम, क्योंकि फिर इसका जो स्पाइसीनेस वाला टेस्ट है वो नहीं रहेगा, और हमें तो स्पाइसी चीज़ें खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर मीठा हो गया तो चिकन बनाने का फ़ायदा ही क्या होगा। सो हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी थिक है। अगर हम इसको और थिक बनाना चाहते हैं तो आप इसमें और क्रीम डाल दीजिए या फिर पानी कम डालिए। सो अब मैं इसको अच्छी तरीके से होने दूँगी, थोड़ा सा और पानी इसमें मैं ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड किया है ताकि ये ज़्यादा देर तक पकता रहे और इसमें इस और अच्छा टेस्ट आए स्पाइसेस का। तो अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको होने देंगे।
जितनी देर हमारा चिकन जो है वो ग्रेवी में थोड़ा सा उबल रहा है यानी कि उसमें स्पाइसेस जा रहे हैं, इतनी देर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अगर आपके पास क्रीम नहीं है या फिर आप क्रीम ऐड नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक रीज़न उपाय है, आप मलाई उसमें डाल सकते हैं। मलाई को आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है या फिर आपने उसको अच्छी तरीके से उसके लम्स निकाल देना, उसे अलग कर देना है। और एक बात याद रखनी है कि जो मलाई है वो दूध के ऊपर वाली होनी चाहिए, ना कि पुरानी होनी चाहिए। सो आप वो यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका बटर चिकन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक और टिप बताऊँगी कि अगर आपके जब आप अपना बटर चिकन टेस्ट करें और आपको उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा लगे तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ लेना है थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा, उसके बनानी है छोटी छोटी गोलियाँ और डाल देनी है अपने चिकन में और उसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देना है। और जैसे ही हम उसको थोड़ी देर बाद टेस्ट करेंगे तो आपको उसमें नमक दिखेगा एकदम बराबर। तो ये ट्रिक यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। और वो मलाई वाली रेसिपी चीज़ के लिए और ये वाली टिप के लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारा चिकन बन के एकदम तैयार हो गया है तो हम इसकी फ्लेम कर देंगे बंद और इसे होने देंगे ठंडा। तो फिर उसके बाद हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बटर चिकन तैयार है और मैंने इसे गार्निश किया है थोड़ा सा क्रीम के साथ। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया यानी कोरिएंडर। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ये, और ये टेस्ट में भी उतना ही अच्छा है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको अगली रेसिपी किस डिश की चाहिए। थैंक यू।